नमस्कार, जी कैपिटल में आप सबका स्वागत है। आज है 16 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसके क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं जो निवेशकों को चौंका सकते हैं, क्योंकि उसके मुनाफे में लगभग 97% की गिरावट आई है। नतीजों के विश्लेषण के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो नतीजों को देखने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चलते हैं, जहां कल देर शाम को इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट की ऑडिटेड कॉपी को सबमिट की है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आ गए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जब आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही देखा, कंपनी का नाम है निपॉन इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड, नेम इंडिया लिमिटेड। तो नेम इंडिया लिमिटेड के बारे में ही हम बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके नतीजों में इसके मुनाफे में करीब करीब 98% लगभग 97.5% की गिरावट आई है। तो अब इसके नतीजों को थोड़ा विस्तार से समझ लें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक चीज जो इन्होंने कम्युनिकेट किया है कि इन्होंने 2 रुपए प्रति इक्विटी की एक डिविडेंड घोषित की है। तो प्रति शेयर 2 रुपए का डिविडेंड है। अब इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर किसी निवेशक ने 100 शेयर ले रखे हैं और 100 शेयरों में उसने निवेश कर रखा है तो उसको प्रति शेयर अगर 2 रुपए के हिसाब से मिलता है तो उसको 200 रुपए की डिविडेंड मिलेगी। अब ये तो हो गई डिविडेंड की बात, अब जल्दी से आपको इसके रिजल्ट के ऊपर लेके आते हैं। तो रिजल्ट भी देख लें, तो रिजल्ट यहां से शुरू करते हैं देखने के लिए कि इसके इनकम। तो आप जब इनकम को देखेंगे तो केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर लीजिए, 31 दिसंबर जो 2019 का क्वार्टर है और 31 मार्च 2020 के क्वार्टर के केवल डिफरेंस को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो जितने फिगर हैं वो सारे करोड़ में हैं। तो इसको बार बार आपको करोड़ बोलने की हमें जरूरत नहीं होगी, अगर हमने 303.14 बोला तो आप समझ लें कि ये 303.14 करोड़ की बात हो रही है। तो आप एक चीज यहां देख रहे हैं कि जो क्वार्टर एंड हुआ है 31 दिसंबर 19 को, उसमें 303.14 करोड़ का इनका जो है इनकम हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से। और जो यहां आप देख रहे हैं कि जो 2020 का 31 मार्च है इसमें इनको 274.50 करोड़ का इनकम हुआ है। तो एक इनकम तो ये हो गया, लेकिन 2 टाइप के इनकम होते हैं, अदर इनकम भी एक होता है। तो अदर इनकम जो है वो 31 दिसंबर 19 के क्वार्टर में इनको 57.50 करोड़ की हुई थी, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि ये इनकम नहीं, एक इनका इनकम नहीं, इनका आउटगो हो गया है। इनकम की जगह आउटगो, मतलब एक तो कोई इनकम आती है और उल्टे ये खर्चा हो जाए। तो ये अभी क्लियर नहीं है पूरे रिजल्ट के अंदर, मैंने रिजल्ट को ठीक से पढ़ा है कि ये 124.94 करोड़ गए कहाँ हैं, लेकिन 124.94 करोड़ इनकी टोटल इनकम में से आउटगो अवश्य दिखाई गई है। और इसलिए अगर पिछले क्वार्टर की बात करें जो दिसंबर की क्वार्टर थी तो उसमें टोटल जब इनकम की बात करेंगे तो वो हो गई थी 303.14 और 57 दोनों को ऐड करके 360.64, लेकिन यहां पर 274.50 में से 124.94 माइनस हो गया क्योंकि आउटगो है, तो ये टोटल इनकम बचती है 149.56। तो ये आप तो एक तो यहां आपने अंतर देख लिया। अब इसके बाद जिसे डायरेक्ट हम लोगों को हिट होता है, तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आप आ जाइए इसके असली रिजल्ट के ऊपर जिससे हमें ज्यादा मतलब है। तो आप देख रहे हैं कि ऑनर्स ऑफ द कंपनी के लिए क्या बचा है। तो आप देखेंगे कि जो पिछला क्वार्टर है उसमें 149.32 करोड़ का इनकम था ऑनर्स के लिए और अब की बार मात्र 3.72 करोड़ है, जो 97.5% इससे इसका अंतर है। यही मैं आपको शुरू से बताना चाहता था कि इस कंपनी में जो इनकम आई है, नतीजे बता रहे हैं कि 97.5% की गिरावट है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। और उस चीज को ही यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के रूप में भी दिखाया है। ऑनर्स ऑफ द कंपनी का मतलब हो जाता है जो इक्विटी होल्डर्स हैं, और उस चीज को ही यहाँ जो 7 नंबर कॉलम में दिखाया गया है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें आप देखेंगे कि 149.32 और अब की बार 3.72, तो पिछले क्वार्टर से ये इस क्वार्टर में कितना अंतर है, 97.5। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इनके नतीजे बिल्कुल निगेटिव आए हैं, बिल्कुल कमजोर आए हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर
जो सोमवार को मार्केट खुलेगा तो इनके प्राइस में हो सकता है और इसमें भारी गिरावट हो सकती है और एक संभावना है, 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता लेकिन गिरने की संभावना रहेगी। तो इसके प्राइस के मूवमेंट को चार्ट पे अगर देखें, अगर इस साल में इसके सबसे हाई की बात करें तो 20 फरवरी को इसकी जो हाई बन रही थी वो 452.90 रुपए की, जो लगभग 453 रुपए है, और वहां से तब तक कोविड का न्यूज आता है, वहां से प्राइस में रिवर्सल होती है, काफी गिरावट आती है, और जो 24 मार्च है वहां आकर के इसके शेयर बिल्कुल बॉटम पे 207.70 रुपए तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां से प्राइस में थोड़ी रिवर्सल आती है और फिर उसके बाद गिरावट आती है। तो कल का जो सेशन होगा उसमें आप दो चीजों का ध्यान रख करके, एक तो आरएसआई की पोजीशन, जो आरएसआई का सिचुएशन है वो लोअर साइड ही है, कोई अपर साइड होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और एमएससीडी की अगर सिचुएशन को देख लें तो एमएससीडी थोड़ी अपर साइड की तरफ इशारा कर रही है, जो मिले जुले संकेत दिख रहे हैं, तो उसके आधार पर अभी कुछ भी निर्णय लेना ठीक नहीं है। आप देखेंगे पिछले जो ट्रेडिंग सेशंस में जो इसके लो बने हैं, तो जो 24 मार्च को बन रहा है 207.70 रुपए का लो, 25 मार्च को लो बन रहा है 208 रुपए का, और आप देखेंगे कि 27 अप्रैल को जो लो बन रहा है वो 209.50 रुपए का। तो यह एक अनुमान निकल के आ रहा है कि जो 209 और 200 रुपए के ऊपर इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 200 रुपए के आसपास और 207-8 रुपए के आसपास अगर आपको मौका मिलता है तो इसमें आप अपना निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश का होराइजन लंबा रखिएगा तभी इसमें निवेश कीजिएगा, क्योंकि अभी कोविड का असर खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आपने पीछे रिजल्ट में भी देखा, जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में केवल फरवरी और मार्च के 2 महीनों का ही असर है, जबकि अब की जो रिजल्ट आने वाला है उसमें अप्रैल मई जून 3 महीने के रिजल्ट आने हैं, तो रिजल्ट और भी निगेटिव की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो इन सारी बातों को समझ के ही आपको निवेश करना है, और जितने निचले स्तरों पर अगर मिलता है तो आप इस शेयर को एक्युमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन परिस्थितियां इसके विपरीत हैं और लगभग पूरे बाजार के ही खिलाफ परिस्थिति है, तो ऐसे निगेटिव परिस्थितियों का भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी एक एडवाइस, फिर भी आप अगर निवेश संबंधी कोई निर्णय लें तो खुद इस पर एक रिसर्च अवश्य कर लें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।